Good evening. Welcome to this feed. As usual, give me a couple of minutes ताकि हम जुड़ जाएं आपके साथ और कुछ बातचीत करने के लिए आ गए हैं. Thank you for those who are taking the time out to join in the feed today. We've got a little interview. थोड़ा सा बातचीत करेंगे सरोज राज जी के साथ जो रेसाइड कर रही हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में. और मेरे हिसाब से ये जो प्रोग्राम है हमारे खासतौर पर फिजी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सर्वप्रथम बात यह है कि फिजी से मुतल्लिक जो लोग रहते हैं, दोज हु आर रेसाइडिंग इन फिजी, चैरिटी इवेंट्स इत्यादि के बारे में आज बातें करेंगे. और सरोज की जो ग्रुप है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे. एंड सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, डू लेट अस नो वेयर यू वॉचिंग अस फ्रॉम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, those who are joining in. And let me just quickly share this feed around before I commence the interview. And let's see, where am I? So yes, reiterating, yani ki main batana chahta hoon, I'd like to say that this is more important, I think. Hello, Suman Singh ji, kaise hain aap? I hope param, Sydney, Australia se. Give me a couple of moments, ladies and gentlemen, while I share this feed quickly, and so that we can have a little bit of a chat. And it's good to see you guys joining in. जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, छोटे से कम वक्त में आ जाते हैं. It's nice to see. Thank you for joining in. तो यदि हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो आपने भी दोस्तों को बताइए कि आपको यहाँ से जो मैं पेश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हर सप्ताह लेके आए अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरह से. हालांकि कोशिश यही जारी है. एंड टुडे आई हैव गॉट इंटरव्यू विद मैडम सरोज राज, जो रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में. शी लिव्स इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया एंड शी डज अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क इन फिजी. और यदि आप फिजी से, इफ यू आर फ्रॉम फिजी, you know, it's very important that we get to know you, and you get to know who Saroj Raji is. Uske baare mein kuch baatein karenge. Now, when we'll come and I'll bring her on, we'll probably ask if she prefers English or Hindi. And I haven't asked because I was busy. I forgot. Apologies, ladies and gentlemen. To aaiye hum welcome karna chahte hain Saroj Ji ko. Saroj Ji, aapko welcome karna chahte hain. Kaise hain aap? मैं ठीक हूँ परम जी. नमस्कार आपको और सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार जो आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं. और खास करके मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी. थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग मी इन योर प्रोग्राम टुडे, कि आपसे भी मैं दो चार बातें कर सकूं. और जो हमारे लोग पीजी में या यहाँ पर किसी भी जगह पे हैं, आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको भी मैं अपनी आवाज पहुँचा सकूँ. और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है. और परम जी, पहले ये कहती हूँ कि आपकी टोपी बड़ी अच्छी है. मेरे टोपी है, मेरा स्टाइल है. लोग कहते हैं कि आपका बार यू नो ढल रहे हैं. भाई क्या कर रहे हो आप, ये सभी का स्टाइल होता है. कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, मैं हमेशा टोपी शुरू से लगाते आया हूँ और एक आदत से बन गई ना, स्टाइल हो गई अपनी. जैसे कि आप हमेशा साड़ी में रहती हैं, तो इसीलिए मैं टोपी में रहता हूँ. मैडम, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में. आप हमारे श्रोताओं से बात कीजिए ताकि मैं ये फीड आपके ही उसमें पोस्ट कर दूँ, ताकि आपके चाहने वाले जो आपके अजीज़ है वो इस फीड को देख सके. तो आप हमारे जो जितने भी ऑडियंस हैं, आप उनको इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, आप उनको वेलकम कर सकते हैं. अपने बारे में ज़रा कुछ बताइए. देखिए परम जी, और जो लोग मुझे जानते हैं, शायद बहुत लोगों से मेरी परिचय है, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं सभी से बात करना पसंद करती हूँ. जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ, उनसे भी हाय हेलो मैं करती हूँ. तो मेरा एक सॉर्ट ऑफ ये हॉबी है कि मैं किसी से भी मिलूँ तो उनसे राम जुहारी या उनके दुख हाल चाल को ज़रूर पूछूँ. और मेरे बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मेरी पैदाइश हुई है लंबासा में. जी, मैं बनवाले रुकी हूँ. और लंबासा में एक बहुत ही सुंदर सी गांव है, जहाँ जो सराउंडेड है विद वाटर, काफ़ी पिकनिक स्पॉट्स वगैरह वहाँ पर है. तो हमारी पैदाइश वही गांव में हुई है. उसका नाम है वाबू वाबू लंबासा. शायद आप लंबासा गए हैं परम जी, कोई yes, लंबासा सिर्फ नाग मंदिर के दौरा करके ही, टाउन दौरा करके वापस आ गए थे. बहुत ही वक्त कम था, इसीलिए उतने ही दस के दौरान पे हम वापस आ गए.
बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है जी। हाँ, बहुत छोटी सी जगह है और लोग वहाँ के बहुत मिलनसार हैं, काफी जी, गरीब जगह मैं कहूँगी, और हमारी भी पैदाइश एक बहुत ही गरीब घर में हुई थी, तो इसीलिए मुझे शायद गरीबी की हर एक मुकाम याद है कि, और मैं बहुत ही ऐसी अनफॉर्चुनेट चाइल्ड थी। मेरे पिताजी की शादी बहुत यंग में हो गई थी, मेरी माँ सिर्फ 15 और आधा साल की ही थी, और आप जानते हैं गांव में बहुत जल्दी से बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो मैं उनकी फर्स्ट चाइल्ड थी जी। और बड़े बड़ा बेटे थे मेरे पिताजी घर के, तो उनकी शादी जल्दी से हो गई, और अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ की डेथ हो गई, मैं घर पर ही पैदा हुई थी। और शायद इसीलिए मैं सभी को अपना ही मानती हूँ जी। और जैसे मेरी मेरी जो पालन पोषण थी, मेरे दादाजी दादी जी, मेरी फोई थी, मेरे अंकल्स थे, काका लोग थे, या सभी गांव के लोगों की मैं बेटी थी, तो हर लोगों ने हर तरह से हाथ लगाए और मेरी परवरिश को किए। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है परम जी, जब मैं वहां जाती हूँ तो मैं लोगों को खोज के मिलती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है, और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी परम जी मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि कौन मेरा अपना है कौन मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारे सभी कोई हमारे अपने ही है। वाह वाह वाह। तो आप ऑस्ट्रेलिया कब आई? जी, हमारी शादी हुई है 1979 में, तो फिर हमारे बच्चे दोनों फिजी में ही हुए, फिर मेरे हस्बैंड उसके बाद जाके स्कूल की कुछ पढ़ाई किए, टेफ वगैरह में गए, और फिर उन्होंने अप्रेंटिसशिप को हासिल किया, और उसके बाद में काफी लोग ऐसे माइग्रेशन के सोच रहे थे तो उन्होंने अप्लाई किया, और ऐसे जैसे बस यही समझिए कि एक हॉट केक जैसे उनका वो चूज हो गए यहाँ पर, और 1992 में हम ऑस्ट्रेलिया आए। वाह। तो ऑस्ट्रेलिया आते ही यहाँ पर कामकाज होती है, बहुत सारे लोग जो होते जुट जाते हैं अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, और ख़ासतौर पर यदि आप इफ़ यू आर फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड देन इट्स डिफ़िकल्ट आई सपोज, बट हालांकि उस हद से आप गुजरते हैं और जब आप उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं सरोज जी, आपने क्यों ये रास्ता चुना चैरिटी वाला, आपने क्यों चुना? आपने बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे किया है परम जी। इसका मतलब यही था, या इसका इसके पीछे यही मेरा ख्वाहिश थी। जब मैं छोटी थी ना, तो भले ही लोग आपको सभी कुछ देते हैं, और मैं छोटे से मैं ये कहूंगी मैं पैदाइश से ही बहुत शौकीन लड़की थी, और मेरा बहुत शौक था कि मैं मेकअप करूं, मैं ऐसे ड्रेस करूं, मैं वैसे ड्रेस करूं, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग जब मुझे देखते थे तो जिनके पास सब कुछ था वो मुझे, अब किसी के एग्जांपल देती हूँ, किसी के घर पे बहुत सारे ड्रेसेस है, किसी के पास बेटी के पास, तो वो लोग मुझे देखते थे कि मैं हमेशा एक ही दो ही पहन रही हूँ, और मेकअप करने को सोच रही हूँ, मेरे पास उतना कुछ था नहीं, तो वो लोग अपने बच्चों के चीज मुझे दे देते थे, और उसको मैं इतने सीने से लगा के रखती थी, और अगर मैं आपको बोलूं तो शायद जो लोग मेरे गरीबी को जानते हैं वो हंसेंगे, या फिर शायद उसको अप्रिशिएट किएंगे, पर मैं सच्चाई बोल रही हूँ, हमारे घर में आयन भी नहीं थी ना, तो जब कहीं शादी वगैरह होती थी तो हमें किसी ने अपना ड्रेस दिया है बेटी का, तो मैं उसको अपने गद्दे के नीचे रख के सो जाती थी, और एकदम स्ट्रेट से सोती थी, ताकि मैं भी ये फैंटेसी नो ये बड़ाई कर सकूं कि मेरी दादी ने इस कपड़े को आयन किया है। मैं भी बताती, जब वो लोग बताते थे ना तो मैं भी ऐसे बोलती थी, लेकिन मेरे पास आयन नहीं था परम जी, मैं उस पर सो गई थी रात को, तो इस तरह से। तो फिर जब बाद में मैं थोड़ी पढ़ लिख कर आगे गई, तो मुझे मैं काम करना शुरू की शादी से पहले, तो फिर मैं कुछ कुछ खरीदने लगी, फिर मेरे पास थोड़े पैसे हुए, इतना तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपने चीजों को मैं बहुत संभाल के रखती थी ना, और उसके बाद में फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति जी मुझे किसी चीज की कमी नहीं की है ना, और फिर जब मैं मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, तो फिर मैं एक बार, आपको शायद मालूम होगा कि लंबासा में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जब बहुत बड़ा फ्लडिंग हुआ था, तो हमारे साथ में जो लड़की रहती थी उसका पूरा का पूरा फैमिली उस बाढ़ में बह गया था,
मैं यहाँ पर, मैं वैसे रिलीजन को बहुत, सभी के रिलीजन को बहुत मानती हूँ। सभी तरह के मजहब में मैं भाग लेती हूँ, पार्ट लेती हूँ, मदद करती हूँ। तो हमारे पास एक छोटी सी रामायण मंडली थी ना, तो हम लोग उसमें कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। तो फिर हम लोगों ने ऐसे मीटिंग किया कि क्यों ना इस पैसे को लेकर हम और कुछ फंड रेजिंग्स करते हैं सब मिलके, और हम लोग जाए जहां पर ये दुख हुआ है वहां पर हम लोग जाके मदद करें। और लेकिन उससे पहले जब मेरे पास परम जी कुछ चीज होने लगी, जैसे मान लिया जाए मेरे पास 2 ड्रेसेस थे तो मेरे पास शायद 10 हो गए, तो मुझसे कोई भी कभी कहा कि सरोज ये अच्छा लगता है, तो मैंने उठा के उसको दे दिया। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक दिन हमारा था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सही है, सही फरमाया आपने। तो मेरा मन ऐसे था। तो यही समझिए कि जब से मेरे पास कुछ हुई मैं चैरिटी शुरू ही कर दी। अच्छा, कुछ बचा के रखा है कि नहीं अब आपने? मैं तो बहुत बचा के रखती हूँ और बहुत संभाल के भी रखती हूँ दैट्स गुड। लेकिन जय कोई भी मांगता है मुझसे कुछ, तो मैं उसको देने में हिचकिचाती नहीं हूँ। देखिए, मैं जब आपके वेबसाइट पे जो आपने बनाया है, छोटा सा ग्रुप बनाया है आपने फेसबुक पे, और ख़ास तौर पर कुछ 4 या 5 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, और ये कुछ जान पहचान वाले भी आपने आपका नाम लिया है, सरोज किया फिजी इनकॉर्पोरेटेड। तो आप ये जो फंड्स इकट्ठा करते हैं, किस तरह से इकट्ठा करते हैं? दे आर दे इंस्टीट्यूशन सो फ्रेंड्स दैट एक्चुअली डोनेट टू यू, ओ हाउ डज इट वर्क आउट? देखिए जी, इसके लिए मुझे काम बहुत करना पड़ता है और हमारे साथ में जो लोग हैं वो भी मेरे सहयोग बहुत देते हैं, और मेरी फैमिली, खास करके मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त जितना है। मैं ये कहूंगी कि भले ही मैं ज्यादा आगे बढ़ के कुछ करती हूँ, लेकिन जब तक ये हमारे कम्युनिटी का सहयोग नहीं होता है ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो सही क्या है। होता है कि मेरे साथ में, हमारे हमारे क्लब के साथ में, इससे पहले मैं कहूंगी कि जब मैं फिजी में चैरिटी करके आई थी, तो उसी समय से मुझे ऐसा लगा था परम जी कि मैं जाके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करूंगी ना। हाँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन जब हम फॉर्म किया, क्योंकि जब फिजी में हम थे, चैरिटी कर रही थी मैं, तो मेरे इस कंधे पर उस समय, मैं ये कहूंगी कि शायद 5 साल से लेकर 99 ईयर तक के आदमी ने मेरे सर पे, कंधे पर मेरे सर रख के रोया और बोला कि बेटी तुमने जो किया है, आपने अपने कम्युनिटी के साथ मिलके, या अपने मंडली के साथ मिलके, या अपने जो पब्लिक है उनके साथ किया है, ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है। क्योंकि उनके घर में खाने को भी नहीं था, बच्चे इधर से उधर थे, जो कुछ हमने सका वो हमने किया, और इतना गरीबी में हमने जाके, ऐसे समय में इन्फेक्शन था वहां पर, मेरे पैरों में जैसे छाले पड़ गए थे, मैं जूता नहीं पहन के सकती जा सकती थी, नाले को हमने पास किया था, और पत्थर जो कंकड़ थे वो मेरे पैरों में लगे और खून बहने लगे। लेकिन लोगों का जो सहयोग मेरे साथ था ना, उसका मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। क्योंकि जिनके पास ट्रांसपोर्ट थे, मुझे सभी जगह लेके गए, वो लोग मेरे साथ में खाना खाए, मेरे साथ में रात बिताए, वो लोगों ने जिनको मैं कभी जानती भी नहीं थी, आइदर यू टॉक ऑफ अ मेल और अ फीमेल, सभी लोगों ने, तो मेरे एक बहुत परिवार जैसे वो लोग बने। और इसी के कारण मैंने ये चैरिटी वर्क को शुरू किया कि हाँ, इसमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा ही मजा है, बहुत ही प्रेम मिलती है, और फिर किसी के मुस्कान देखने से अपना मन गदगद हो जाता है ना। तो जी जी जब जी यहाँ हमने ये शुरू किया परम जी, तो मुझे लोगों ने बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि सरोज जी हम आपके साथ हैं, आप जो करोगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी एमपीज के, लोकल एमपीज जैसे मिशेल रॉलेंस है, हमारे हरीश जी जो पीजी के हैं, लेबर पार्टी के, बहुत इधर उधर बहुत दौड़ते हैं, काम करते हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत ही लोगों से कनेक्ट किया। उनका कनेक्शन से मुझे, मेरा कनेक्शंस बढ़ता ही गया, और फिर हमने अपना ऐसे फंड रेजर शुरू किया। पहले लोगों से मैंने मांगा, जैसे हमारे काफी दोस्त थे, जैसे लोटस कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने 2003 से मेरी मदद की, उन्होंने मुझे हॉल का पे किया, फिर दूसरा कनेक्शन दिया, फिर तीसरा कनेक्शन दिया, ऐसे ऐसे करके लोगों ने मुझे बहुत मदद की। और फिर हमारे पास वो पैसे आ गए कि हम लोगों ने जैसे चीज खरीदा, हॉल का पे किया ना,
और फिर लोग जब सुने कि हम पीजी के लिए, और फिर सिर्फ पीजी के लिए हम नहीं करते हैं, यहाँ पर भी हम करते हैं, अन्य देशों में भी हम करते हैं। हम जी जी उतने बड़े नहीं है, लेकिन हम लोग काम बहुत ईमान से अच्छी तरह से करते हैं ना, कि अगर मान लिया जाए परम जी आपने मुझे $100 दिया, तो मेरा दिल यही कहता कि उस $100 को मैं उसी लोगों तक पहुंचाऊं जिसके लिए आपने मुझे दिया है ना। देखिए सरोज जी, हर चैरिटी ग्रुप में एक ट्रांसपेरेंसी होती है और होना बहुत ही ज़रूरी है। और जी ख़ास तौर पर मैं किसी संस्था में नहीं हूँ, आई डोंट बिलोंग टू एनी चैरिटी ग्रुप। मेरा कहना ये है कि जब आप चैरिटी चलाते हो तो बहुत सारे लोगों का जो कान है वो खड़ा हो जाता है, और जब पैसे आते हैं उसमें लोग, कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, सब लोग नहीं हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो उस फाइनेंस का, उस जो चीज़ मिलती है उनका आधार आदान प्रदान करते हैं। इसके ज़रिए से ही लोग थोड़ा सा क्या वो कहते हैं उसे, दे बिकम अ लिटिल बिट कॉशियस अबाउट इट ना, हाँ, थोड़ा उसपे सा मैं सतर्क हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए, आपने जो अभी कहा है ये जरूरी भी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मुझे कुछ दिया है तो मेरे पर्सनल यूज के लिए आपने नहीं दिया है मुझे ना, आपने मुझे दिया है क्योंकि मैंने आपसे कहा है या किसी ने कहा है कि हम सही तरीके से इसके यूज करेंगे, इस्तेमाल करें। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लोग करते हैं मेरे जैसे, और भी बहुत लोग हैं जो करते हैं, जिनके मैं शाबाशी देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि चैरिटी करना इजी नहीं है परम जी। और जो ट्रू ट्रू चैरिटी करते हैं, चैरिटी करने के लिए मेरे हिसाब से अगर मैं सोचती हूँ, जब तक मुझे वो सेटिस्फेक्शन खुद नहीं मिलती है ना, अगर मैंने 500 5,000 को यूज किया और मैंने सही तरीके से उसको यूज नहीं किया, मैंने कुछ गद्दारी की, तो जी मेरा जी मन रात को बहुत अशांत होगा, होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने सही नहीं किया है ना, क्योंकि कोई तो मुझे देख रहा है। हाँ, सही सही है, ऑफ कोर्स। तो इसलिए चैरिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, वो आपके इंस्टिंक्ट होना चाहिए, आपके अंदर से वो चैरिटी बनाना चाहिए, तभी आप चैरिटी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ऐसे सोचा। और आप जो सवाल अभी किए हैं, शुरू में लोग जो मुझे नहीं जानते थे वो लोग सोचते थे ना कि हम कैसे दें इनको, या ये करेगी, या इनके क्लब है जो करेगा कि नहीं, लेकिन हमारे क्लब हमने करके दिखाया तो लोगों को बहुत खुशी आई। अभी तो कभी कभी मैं आपको अभी नमूना बता रही हूँ, लास्ट वीक मैं कहीं पर थी, तो मैं वहां से जा रही थी तो एक औरत मुझे मिली, उसने कहा कि कैसे अभी कुछ चल रहा है, मैं देखी हूँ फेसबुक पे आप वाउचर्स दे रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर जी रहा है, समझ के आना। तो उन्होंने जी कहा कि देखो मैं कुछ चीज भी ला के आपको दे दूंगी जो आप गरीबों तक पहुंचा दे उनको पाए करके, और मैं आपके अकाउंट में $200 डाल रही हूँ। अब मैंने उससे मांगा नहीं था ना, लेकिन उसने डाला। तो ऐसे विश्वास के साथ जब लोग हमारे साथ काम करते हैं परम जी, तो मुझे भी तो ये उनको दिखाना है ना कि हाँ हम कर रहे ट्रू हैं, ट्रू और ट्रू फिर ट्रू भगवान तो हर एक सेंट का हिसाब रख रहा है ना। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसे होते हैं या तो पैसा आता ही है, तो उसका कुछ ना कुछ तो यूटिलाइजेशन होती है कहीं ना कहीं पर। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े संस्था है, जो बड़े बड़े चैरिटी ग्रुप्स हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन फीस बहुत ज़्यादा होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के ही तौर पे वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू जज वन पर्सन, और ख़ास तौर पर आज की तारीख में देखें तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने देखा है आपने अपने फेसबुक का जो आपका पेज है, आई विल जस्ट गो टू दैट पेज सरोज जी, और लोगों को थोड़ा सा दिखा दे, जो लोग इस फीड को लाइव देख रहे हैं, जो जो नहीं देख रहे, जो रिकॉर्डेड भी देखेंगे, कुछ लोग यूट्यूब में इस फीड को भी देख रहे हैं। तो ये वह आपका सरोज के इनकॉर्पोरेटेड पेज जो है वहाँ पर, और ये पेज जो है लोगों को बताना चाहते हैं कि ये पेज, सॉरी मैसेजेस आ रहे हैं, ये है सरोज केया का जो पेज है, फिर सरोज केया फीजी इनकॉर्पोरेटेड है, BSB है, लोकल अकाउंट है ये वाला या जी सरोज जी? हाँ, ये हमारे हम सेंट जॉर्ज के साथ में है, ओके, सारा का दिस इज कलिया, सारा ओके इंफॉर्मेशन उस पर है। जी। एंड दिस इज़ लोगों को हम ये गुजारिश करेंगे कि जाइए इस पेज को लाइक कीजिएगा और प्यार बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सारे ट्रांसपेरेंसी चीज़ें होती हैं,
जो यहाँ पे आप देखोगे किस तरह से अभी लेटली में क्या हो रहा है, आप ज़रा स्क्रॉल करेंगे करोगे तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि इन्होंने क्या किया है और क्या नहीं, कहाँ कहाँ पर ये निकलती है। मैम साहब साड़ी पहन कर ये निकल जाती हैं, देखो ना कहाँ कहाँ पर आप चीज़ बांट रही हैं और चीज़ों का सामान का नुमाइश है। आप फेसबुक में उनका फ़ोटोज़ इत्यादि ये सब आप देख सकते हैं, जिसके ज़रिए से ये पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो लोगों को हम ये लोगों से ये गुजारिश करेंगे, डू गो इन टू दैट पेज एंड लाइक दैट पेज एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर देखिए। तो अभी फ़िलहाल अभी आप क्या कर रहे हो, अभी जबकि अभी कोविड छाए हुए? अभी जी रिसेंटली हम लोग, अभी थोड़ा दिन हुआ, 1-2 महीने पहले हमने कुछ कपड़े इत्यादि को वेस्टर्न डिवीजन में भेजा था, जो सरोज किया के फंड से हमने पे किया था। तो रफली करके अगर हम 5 कार्टन्स ऐसे भेज रहे हैं ना, तो इट कॉस्ट अबाउट $400-500 हो जाता है उसके लिए, फिजियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। तो लोग उसको वहां पर भेजा देते हैं। फिर हमारा कॉन्टेक्ट काफी फिजी में है, तो वहां पर लोग जाके उसको निकालते हैं, फिर वहां से ले जाके जहां जहां पर देना चाहिए ना, वो लोग जी पहुंचाते हैं जी उन गरीबों तक। तो हाँ बड़ी हाँ आशीर्वाद हम लोगों को मिलती है। और अभी थोड़ा पहले, कोविड से थोड़ा पहले, हमने लगभग 1,000 का सामान लेकर, आपको पता होगा हमारे सिडनी में बहुत बड़ी ऐसे एक बाढ़ आई थी, जिसमें जी एक जी हमारी जी पाकिस्तानी दोस्त भी गुजर गए थे, उनकी जी गाड़ी जी चली जी गई, याद है ना। हाँ हाँ जी हाँ तो जी वो काफी दूर है यहाँ से, तो लगभग 2 घंटे का ड्राइव करके मेरे हस्बैंड और हमारे कुछ मेंबर्स गए थे। तो हम लोगों ने टोस्टर्स है, जैसे आपने अभी स्क्रॉल किया था तो उसपे काफी रखी हुई थी ना, तो वो सब हमने वहां पर डोनेट किया, और उन्होंने पेपर्स में भी हमारे छोड़े इसके लिए। और उसके साथ साथ में अभी हम फिलहाल खास करके हम फोकस कर रहे हैं वेस्टर्न डिवीजन पे ना, क्योंकि वहां पर काफी लोगों के, परम जी, अभी नौकरी नहीं है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी डाउन हो गई है, टैक्सीज जी जी भी बात है लोग कम नहीं चला रहे हैं ना। तो जी काफी लोगों ने हमारे पास कांटेक्ट किया कि सरोज जी आप उनको वाउचर्स इत्यादि देवे। तो हमारी वाउचर्स अभी फिलहाल तावुआ, रेकी रेकी, सिंगाटोका और बाल ओटोका में चल रही है। और एक लेडी है रेनू सिंह, जिससे हमारी मुलाकात किसी ने कराए हैं, और एक राजू जी है, राजू कुमार जी। तो वो लोग बड़े अच्छी तरह से वहां पर जाकर लोगों को मिलते हैं और सब बांट रहे हैं वहां पर, ये तो भी अभी हम कर रहे फिलहाल हैं। जो वाउचर्स आप दे रहे हैं तो ये लोगों को जाकर दुकान से कुछ सामान लेना पड़ेगा, कुछ इस तरह सा है? जी हाँ, अभी तो मैं इसका डीलिंग्स खास करके एक ही शॉप से कर रही हूँ, जो हमारे फिजी में बहुत ही फेमस है, हर एक स्टेट में वो है। फिजी में उसको कहते हैं शॉप एंड सेल ना। ओके ओके हाँ तो वहां पर मैं ईमेल उनको कर देती हूँ कि देखिए, अब मान लिया जाए सुवा और नसोरी में भी हमारा अभी चल रहा है, तो वहां जी भी कुछ लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो हम उनका इंट्रोडक्शंस दे देते हैं, उनका आईडीज दे देते हैं, तो वहां पर हो जाते हैं। तो वहां से, यहाँ से हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम कैश किसी को नहीं देते हैं। जी तो जी डायरेक्ट जी पेमेंट हमारा उनके दुकान में चली जाती है। तो फिर कॉन्फर्मेशन के बाद जिसको हम बताते हैं कि जाएंगे, वो जाकर वहां से पिक करते हैं। फिर जहां जहां पर नाम होता है, या अगर क्लब मेंबर्स जैसे हमारे यहाँ है, तो वो लोग अपने परिवार के, या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे वो फैमिली हो या चाहे आउटसाइडर हो, पर हाँ हम ट्रिपल टाइम उसको चेक करते हैं कि वो जगह पर। अब जैसे हमारा रूल था इस समय कि हम वाउचर उसी जगह पे दिए थे जहां पर कोई भी काम नहीं करता हो, जहां पर जिसकी बेटी कर रही है, बेटा कर रहा है, भले ही हस्बैंड एंड वाइफ नहीं करते पर उनका चल रहा है ना। लेकिन जी कई जी ऐसी जगह है, घर वो है, जिसमें कोई भी काम नहीं करता है। जी तो सही हम ट्रू वैसे को चूज किए थे, और जो लोग वहां काम करते हैं वो खास करके उन लोगों के पास गए थे ना, घर घर पे जाके उन्होंने पता लगाया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस तरह से लोगों ने उस बाउचा को डिस्ट्रीब्यूशन किया, और अभी कर रहे अच्छा हैं कुछ, और लोडिंग समय बहुत ही जल्द करूंगी, क्योंकि आज ही किसी से बात हुई थी। तो लगभग 45-50 वाउचर सुवा और लोटोका में हमारा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं 2 और एक्स्ट्रा ऑर्डर की, क्योंकि लोग इतने अच्छे हैं परम जी, इन कनेक्शन अगर आप उनसे कहे। तो मैं किसी से बोली कि हमारा वाउचर जो गया था सब आउट हो गया, उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो
लेकिन मुझे हॉस्पिटल में कोई हमारे साथ काम करता है तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो सरोज, हमारे बहन की घर जल गई है और ये जो हमारी फ्रिज के केरोसिन स्टोव होती है ना, वो दग गई। जी तो जी जी थैंक गुडनेस, राम जी की कृपा से किसी की कुछ ऐसे जली वगैरह नहीं वो लोग, लेकिन घर जार जर कर पूरा किलोया में राख हो गया और उसके बगल में उसका ससुराल था वो भी जर गई। तो मैं बोली इमीडिएट मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो रेंटल प्रॉपर्टी पे भी थे ना। तो अच्छा मैंने अच्छा कहा कि फादर्स डे भी चल रहा है और इनके कुछ है नहीं, तो आप जाओ मेरे तरफ से कुछ वाउचर्स खरीद के वहां पर दे दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर मैं यहाँ से आपका पेमेंट कर दूंगी। तो अच्छा उन्होंने अच्छा मेरे अच्छा लिए ये किया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो इफ और पीपल हाँ जी हाँ जी बोलिए कपड़े इत्यादि मैं काफी कलेक्ट कर चुकी हूँ, मेरी बातचीत हो गई है जो फ्रेटिंग कंपनी है, तो 2 वीक्स में मैं कुछ और बॉक्सेस पैक करूंगी तो फिर वो मैं उनके घर पे भी कुछ पहुंचाऊंगी जहां पर उनका घर जलकर राख हो गया है ना। तो मैं अच्छा उनके बच्चों के लिए उनके लिए भेजूंगी और फिर लोटो का मैं बहुत दुख है, मैं उस एरिया में भी भेजूंगी, नसूरी में जहां जहां लोग मुझसे बोले हैं, तो मैं केया से उसको पे करके वो मैं पहुंचाऊंगी। पहले तो मैं प्लेन से भेज देती थी लेकिन अब तो बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट हो गया है ना, तो थोड़ा समय अच्छा लगता है, लगभग 4-5 वीक्स लग जाती है, लेकिन मैं उसको फिर सी फ्रेट से भेज देती हूँ। अच्छा अच्छा तो अगर कोई ऐसा इंसान है अभी, जैसे कि आप जानते हैं कि फिजी में दे मोस्ट ऑफ देम हैव बीन गेटिंग $360 डबल जेब के ही जरिए से उनको 360 इत्यादि डॉलर मिला है और 3 महीने के लिए, तो काफ़ी का जो जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनका कुछ ना कुछ चल रहा है, भोजन पानी इत्यादि आ रहे हैं, मेज़ पर रखे जाते हैं खाने पीने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गांव में स्थित है जहां पर अभी भी उनको कुछ खाने की या पीने की दिक्कत है, तो आप इफ़ दे वांट टू रीच यू, किस तरह से वो आपको रीच कर सकते हैं? मुझे तो ये मालूम है कि आप मल्टी मिलियनर तो है नहीं, लेकिन आप किसी तरह से सोर्स आउट करते हैं, किसी ना किसी तरह से आप सोर्स आउट करके कहीं ना कोई किसी तरह के मदद आप चाह सकते हैं उन लोगों को, तो वो इफ़ दे वांट टू रीच यू यानी कि आपकी जो संस्था है, किस तरह से वो आपको रीच कर सकते हैं? काफी लोगों ने मुझे इस तरह से कांटेक्ट किया है। अब जैसे सरोज प्रिया का पेज था ना, हाँ, जो मैंने तो दिखाया उन था। लोगों ने हाँ उस पे लिखा मेरे पास। तो अगर हम उनके कुछ सहायता कर सके तो हम लोग जैसे इमीडिएट में कुछ करे हैं उनके लिए ना। और कुछ लोगों ने ऐसी बड़ी बड़ी रकमों को बात किया कि हमारे घर के लिए हमारे घर बनवा दो, ये कर दो, तो सरोज किया उतना तो नहीं कर सकेगी ना, जी जी लेकिन थोड़ा मोरा तो हम जरूर करते हैं कि किसी की मुस्कान हम वापस ला दें। कई जी लोगों ने मेरे पास ये कहा कि हमारे घर में खाना नहीं थी, आपने दिया तो हमारा कुछ खाना आ गया, बच्चे भूखे हैं, यहाँ तक कि हमने डायपर तक यहाँ से लोगों को प्रोवाइड किया है और अभी भी कुछ बटोर के रख रही हूँ। मुझे पता नहीं है वो कहाँ रहते हैं, लेकिन जब हमारे हेल्पिंग हैंड्स जो है जैसे वॉलंटियर्स है ना, तो वो लोग उनको पता है वो ले जाके देते हैं। तो वैसे बस अगर कोई हमें कांटेक्ट करता है तो कुछ लोग हमारे पास लेटर लिख देते हैं ना, जी और जी कुछ लोग हमारे पेज पे लिखते हैं और कुछ लोग थ्रू फ्रेंड्स हमें मिलते हैं, इस कांटेक्ट तरह से करते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट होती है उनसे। जी, तो कुछ साल पहले आपने कुछ व्हील चेयर्स इत्यादि डोनेट किए थे मेरे हिसाब से, राखी राखी एरिया में कुछ ऐसा था? सिर्फ राखी राखी का वो नहीं था, उसके लिए जी मैं पुंजा जी को, जो पुंजा योगेश पुंजा जी जो हमारे हाई कमिश्नर थे ऑस्ट्रेलिया में काफी दिन, जी फिलहाल तो जी अभी वो इंडिया में है कहीं स्टक है बेचारे। लेकिन पूंजा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, वो इतने बड़े हाई कमिश्नर थे, उनके पास तो आप जानते हैं बड़े लोगों के पास बड़ी ऑफिस की तरीके से मिलना पड़ता है ना। लेकिन उन्होंने पीजी में हमारे अपने स्पीच में भी ये कहा था कि ये सरोज जब चाहती है मुझे फोन उठा के कॉल कर देती है। अच्छी तो बात है। मैं बोली लेकिन आप मुझे ऐसे बोले लेकिन आप जवाब तो जरूर देते हैं ना, मिस कॉल का मुझे कॉल बैक करते हैं ना। तो हंसने लगे, ही सेड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर कमिटी एंड वट एवर यू आर डूइंग। तो मैंने कहा कि देखो मैं आपको इस तरह से देखती हूँ पूंजा जी कि आप हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको जो वो कुर्सी मिली है तो आप मुझे थोड़ी छोटे लोगों को कुछ तो मदद करें ना, एक बहनी के रूप में देखे, बहन के रूप में देखे या एक पब्लिक वर्कर के रूप में देखे, कुछ भी। तो हंसने लगे, ही सेड एनी टाइम जी।
तो पूज्य जी क्या किए हमारे लिए, दो बार हमने एक्चुअली ये किया था। पहली स्टॉक हमारी गई थी सुबह CWM हॉस्पिटल, तो उसमें हम लोगों ने सेकंड हैंड खटिया, वोकर्स कहते हैं और क्या कहते हैं, व्हील चेयर्स सब मैले थे, वो काफी नर्सिंग होम्स ने हमें डोनेट किया था, उसको साफ करके हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा था CWM। और इसका जो कंटेनर था ना, उसका पेमेंट हमने नहीं किया था, योगेश पुंजा जी ही दिए थे मुझे, उसने पे किया था, और कस्टम्स वगैरह ड्यूटीज उन्होंने ऑफ कर दिया था। और जब सेकंड राउंड में हम लोगों ने भेजा है, तो सरोजिया ने अराउंड 19,500 का व्हील चेयर्स हम लोग डायरेक्ट चाइना से ऑर्डर किए थे। हाँ, तो वो चेयर में केया जो हमारी है, हम लोग उसमें स्टिकर्स भी बनवाए थे चाइना में, जी उसमें बना था जैसे सरोज केया फिजी इनकॉर्पोरेटेड। आप शायद कहीं जाएंगे फिजी तो अगर वो चेयर आपको दिखाई दी तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों का वो लिखा है ना। तो उसका भी जो कंटेनर था पूंजा जी ने मुझे फ्री दिया था ना, और वेव कर दिया था ड्यूटी। तो ये जो चेयर थी, इसका जब फिजी अराइवल हुआ तो पूंजा ने एक बहुत बड़ा से ऐसे एक आफ्टरनून टी वहां पे ऑर्गेनाइज किया, मॉर्निंग टी जैसे। तो हम लोग गए थे, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ से गए थे, हमारे हस्बैंड तो नहीं जा पाए थे, लेकिन हमने रिप्रेजेंट किया था वहां पर ना। और काफी लोग जैसे PM के ऑफिस से जो योगेश करण जी उनका सेक्रेटरी है वो आए थे, जी जी काफी लोग वहाँ आए थे, और बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया। और सभी तरह की टीवीज आई थी, रेडियो फिजी आया था, नौतरंग आया था, जितने भी रेडियोज है सब आए थे, सब लाइव कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा कि लोगों का जो एक्नॉलेजमेंट जो किया उन्होंने ना, बहुत अच्छी थी। और खाना पीना हमारा सब हुआ वहां पर। और उस चेयर को हमने यहाँ से जब हम लोग उसका पोस्टिंग हुआ चाइना से, तो फार्मास्यूटिकल फार्मेसी जो वतुवांगा में है ना, वहां जी पर जी गई थी, तो वहां के जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने रिसीव किया था। फिर चेयर्स को उन्होंने लेके आया वहां पर, और फिर उस वो चेयर्स को सिर्फ जैसे आपने भी कहा कीरा कीरा की गई थी, नहीं रेकी रेकी गई थी, तावुआ गई है, जैसे वालेलेवु मेडिकल सेंटर है, लंबासा हॉस्पिटल है, सुबा हॉस्पिटल है, जी जी नसोरी में जो हॉस्पिटल है, ये सभी जगह वो चेयर्स गई है। अच्छा, तो जी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे लोग जो हैं जो कई ऐसे बीमारियों से पीड़ित है, जैसे कि डायबिटीज़ है, यू नो, स्ट्रोक इत्यादि, लोगों को उनके हाथ से गुजर रहे हैं, तो इन लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत होती है व्हीलचेयर की। पर आपने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है वाकई। और अगर अगर अभी आज की तारीख में देखो, तो अगर लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले फरमाया कि अभी यहाँ पर इट इज़ नॉट इजी, क्योंकि अभी कोविड चल रही है, और आप कोई संस्था यानी कि कुछ कलेक्टिव एफर्टली कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कोविड के ज़रिए से हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के साथ बैठ नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, सो मैनी पीपल कैन गैदर, तो कुछ हो नहीं पा रहा है अभी। तो इस वक्त, अभी जो वक्त चल रहा है, इट्स बिल्कुल टफ टाइम फॉर लॉट ऑफ पीपल, आई बिलीव। तो यस हाउ आर यू हैंडलिंग दिस, क्योंकि आई मीन देयर मस्ट बी लॉट्स ऑफ पीपल रीचिंग आउट एंड सेइंग कि यार मुझे मदद करो। अभी किसी ने टाइप किया है कमेंट में कि येस आई नीड ओनली फूड आइटम्स, प्लीज़ गिव मी हाउ कैन आई रीच यू। तो कभी कभी ये होता है कि लोगों के पास फूड, हाउ डू यू एक्चुअली, किस तरह से आप चूज करते हैं कि किसको देना है किसको नहीं? क्या लोग वहां पे जानते हैं, पहचानते हैं किसी को? जी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि जैसे लोटोका में है और सुबा में है, लंबासा में है, तो लास्ट जब मैं लंबासा में तूफान आई थी ना, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो उस समय हमने 3,000 का टापलिंस दिया था, क्योंकि जो किसान लोग थे उनका जैसे धान का घर उड़ गई थी या फिर घर उड़ गई थी, रूफ नहीं छत नहीं था, तो हमने आई हुसैन एंड कंपनी से लगभग 1,500 या की क्लोज टू 2,000 का टापलिंस ऑर्डर किया था। उन्होंने फ्यू डॉलर्स, $5 लेस करके हमें दिया था। तो लोग जाके घर घर पे जो वहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स है, वॉलेंटियर्स है ना,
उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जाके घर घर पे देखा कि कहाँ पर जरूरत थी जी। और उसी समय हमने वाउचर्स भी दिया था। एंड बैक टू व्हाट यू सेड हाउ आई हैव डन दिस ड्यूरिंग कोविड टाइम, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अभी फिलहाल जैसे मैंने हरीश जी के बारे में कहा था ना, तो हरीश जी ने कहा था कि आप थोड़ा कुछ जैसे मैं फंक्शन अभी नहीं कर पाती हूँ ना, तो कहा था कि तुम थोड़ा फेसबुक पे फंड रेज कर लो। तो व्हाट आई डिड, एक अकाउंट खोल के मैंने किया था, तो उसपे सिर्फ थ्री वीक्स का अकाउंट खुली हुई थी, तो उसमें हम लोगों का कुछ फंड रेजिंग आ गई थी ना, जिससे हमने लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि ये हम खास करके तावुआ में वाउचर्स वगैरह देंगे। तो जो वहां पर जो मैंने पहले जिनका नाम लिया था, जो वॉलंटियर्स राजू और रेणु जी है ना, उनसे बातचीत हुई थी, जब तक ये 3 वीक्स का फंड रेजिंग हो रहा था, तो उन्होंने जाके घर घर पे, जैसे उनका संस्कृति कुछ रामायण मंडली चल रही है या फिर वो लोग कुछ खाना वगैरह बना के गरीबों को खवा रहे हैं, वो लोग भी चैरिटी इत्यादि करते हैं, तो उन्होंने जाके लोगों से संपर्क किया और ऐसे लोगों को खोजा ना कि जहां पर उनको सख्त जरूरत थी। तो उस पैसे से फिर और सेंट जॉर्ज बैंक ने मुझे मदद किया ना, वो लोग मुझे नहीं पता था कि ये अकाउंट कैसे खोलना है ना, तो सेंट जॉर्ज की जो मैनेजर थी वो बहुत खुश हुई। आप मेरे साड़ी पर बात कर रहे हैं, थोड़ा जोक करते हैं, तो मैं साड़ी पहन के गई क्योंकि आई वाज क्रेविंग टू वेयर साड़ी, तो मैं सेंट जॉर्ज साड़ी पहन के चली गई। तो वो लोग मुझे पूछे कि अरे साड़ी पहन के आ गई सरोज, आर यू गोइंग समवेयर? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं मुझे कुछ हो रहा है, मैं साड़ी नहीं पहन पा रही हूँ ना, तो इसीलिए आए। तो वो लोग फोटो उतराने लगे मेरे साथ, तो इट वॉज वेरी नाइस ऑफ देम। तो उन्होंने इस अकाउंट को खोला और फिर उन्होंने ही क्लोज किया उसको। फेसबुक का कुछ चार्जेस था, उसने ले लिया अपना, और बाकी का पैसा हमने वाउचर्स बना के उन लोगों तक पहुंचा दिया। तो एक तरह की फंड रेजिंग होती है, अब हमेशा तो वो नहीं कर सकते है ना। और अभी हम बात कर रहे थे अपने जहाँ पर हॉल हमारी बुक थी, तो उसको हमें कैंसलेशन करना पड़ा, क्योंकि अभी तो लोग वहां जा भी नहीं सकते और रिस्ट्रिक्शंस है, सभी लोग अपना प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हॉल अलाउ ही नहीं करेगा ना। तो उस 200 हम भर चुके थे, तो वो उन्होंने सेफली रखा है और देखते हैं कि आगे कैसा होता है। लेकिन अभी दूसरा प्रोजेक्ट में सोच रही थी, थोड़ा सब ये शांति हो जाए। तो लास्ट ईयर भी मेरे पति बहुत अच्छा कुक है, ही इज अ वेरी गुड कुक, ही इज बीन कुकिंग फॉर होल ऑफ लाइक सरोज के आकर जब से मैं चैरिटी कर रही हूँ ना, वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, हंडी एंड हंडी खाना बनाते हैं वो, तो वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं जब हमारा फंक्शन होता है ना। लेकिन लास्ट ईयर जब मैं फंक्शन नहीं होल्ड कर पाई, तो वी डिड अबाउट 4,000 ऑलमोस्ट, आई थिंक $3,950 के मैंने पुलाव बेचा था। सो लोगों का ऑर्डर हमने लिया, फिर हमारे बच्चे लोग, हमारे फ्रेंड्स लोग, हमारे सब हेल्पिंग हैंड्स जो है आके पैक किया है और साथ में बनवाए मेरे पति के, और हमारे लाइक उन्होंने ऑर्डर्स को फिर पहुंचाया लोगों तक। तो उसका जो पैसा, तो इसी तरह से हमने फंड रेज किया था। और मैं फिलहाल यही सोच रही हूँ कि हॉल में नहीं जा सकती हूँ, तो मैं इस तरह से फिर से फंड रेजिंग करूंगी as soon as it's open। यानी कि छोटे मोटे पैमाने पर आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ताकि किसी का घर में चूल्हा जल रहा है या तो जलेगा ही, या तो फिर किसी का पेट जो है वो भर रहा है हल्का सा। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस इंटरव्यू के बाद आप कुछ कमेंट्स हैं देख लेना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि फिजी में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हालांकि गरीबता तो है ही फिजी में, लेकिन फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पर आप कुछ भी बो सकते हैं, कुछ भी उगा सकते हैं, डालो है, कसेरा है, भाजी इत्यादि थोड़े से आपके ज़मीन में आप कर सकते हैं। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जो लोग फिजी में रह लेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी ओवर देयर, सभी ना किसी ना किसी के पास, जो जो सिटी में रह रहे हैं वो तो डेफिनेटली सिटी एरिया से ही प्रेम करते हैं, और जो लोग गाँव में रहते हैं या तो फिर जो लोग हाउसिंग अथॉरिटी में रहते हैं, उनके पास तो कुछ ना कुछ ज़मीन है, कुछ ना कुछ है जहाँ पर वो कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। तो कोविड के ज़रिए से आई थिंक लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, टमाटर बैंगन इत्यादि जो चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ उनको बोना चाहिए, ताकि ऐसा जब उनके हादसा, इस तरह के हादसे से जब हम गुजरते हैं
तो वो उनके लिए लाभदायक होगा, लाभदायक होगा। तो इट इज़ नॉट कि काफ़ी लोग मेरे पास भी आए हैं, कॉन्टेक्ट किए हैं कि हमें मदद करो, हमें मदद करो, लेकिन हम बस सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे बस में है हम कर सकते हैं। और जो हमारे बस में है, जैसे कि प्रमोट करना लोगों को, और अवेयरनेस ऑफ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, कहाँ से लोग रीच कर सकते हैं, किसी हिसाब से वो मैं कर रहा हूँ। तो पैसे के हिसाब से तो हम लोग इधर रह रहे हैं, पेड़ तो नहीं फल रहे हैं हमारे पास कोई, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ सिडनी में जो अभी भी पैसे दान कर रहे हैं, दे रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं इस कोविड के ही जरिए में के अंतर्गत। तो सरोज जी, कोई बड़ा प्लान है आपका, कोई बड़ा वाला हाथ मारने का प्लान है? जी वैसे तो मैं क्या कहूँ, अभी तो ऐसे कोविड के समय में बहुत प्रेशर भी किसी पे नहीं डाल सकती हूँ ना, लेकिन मैं खास करके जो कुछ भी मैं आज कर रही हूँ अपने क्लब के साथ में या फिर पर्सनल लेवल पे कर रही हूँ ना, मैं सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद बहुत देना चाहूंगी कि आपने मेरे आवाज को उन लोगों तक पहुंचाया है और लाइव किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने ये किया मेरे लिए। शायद जो मुझे नहीं जानते थे वो मुझे देख लिए और मेरे बातों को सुने जो मैंने अपने दिल से उनसे कहा है, और मैं उन सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं ऐसे कोई मादर टेरेसा तो नहीं हूँ, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है ना, लेकिन जो भी करे दिल से करे, और जो कुछ भी हमने आज तक किया है इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, क्योंकि जब तक पब्लिक आपके साथ नहीं होती है ना, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई अगर घमंड कर ले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं, एक तो भगवान की आशीर्वाद होनी चाहिए, उनकी कृपा होनी चाहिए, और फिर जो हमारी पब्लिक है ना, जब वो हाथों में हाथ मिलाकर करती है तभी हम कुछ कर सकते हैं। सही है, सही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि अभी अभी हम आपसे मेंशन किए थे ना कि हमने लास्ट ईयर पुलाव बना के बेचा था, आपको मैं बताऊं, मैंने सिर्फ लोगों से कहा मेरे घर में कितने चिकन आके रखा गए, मेरे घर में लोग लैम तक दो दो ऐसे डोनेशन किए, क्योंकि लोग चाहते थे कि हम, काफी लोग वेजिटेरियन हैं, हम कुछ वेजिटेरियन पुलाव भी बनाए थे ना, लेकिन लोगों के हिसाब से उनको खुश तो रखना है ना। तो जैसे सारे कुछ मैं आपसे कहूं परम जी, मैंने क्लब से एक सेंट भी नहीं लगाया था, सारा का सारा सामान वाज डोनेटेड, 1,500 लोगों ने डोनेट किया था, जिससे हम लोगों ने सारा कुछ चीज खरीदा और ऐसे बनाया कि लोग, ऐसे लोग बोलने लगते हैं उसमें ये नहीं था वो नहीं था, आप समझते मैं क्या बोल रही हूँ वो तो कहानी है। हाँ, लेकिन हमने ये कोशिश किया कि हम सभी को खुश रखे, क्योंकि सारा चीज उन्हीं के तरफ से आई हुई है ना, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बनाया और उन तक पहुंचाया, सभी ने थैंक यू किया बहुत अच्छा से। तो यही मैं सोचती हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं कुछ बड़े तरीके से करूं, तो अगर हमारे जो लोग अभी तक हमें सहयोग प्रदान करते आए हैं या जो लोग कर सकते हैं इन फ्यूचर ना, तो हमारी, आपने देखा है अकाउंट्स, जो नारियल का पेड़ हमने रखा है उस पे सारा कुछ, अकाउंट नंबर, बीएसबी, सभी कुछ उस पे है। तो अगर लोग मुझे $10, $20 या $100 अपने औकात के हिसाब से अगर हमारे अकाउंट में रखेंगे ना, वो अकाउंटेबिलिटी के साथ हम उनको रिसीट्स देंगे, वो हमसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, हमारी फोन नंबर भी उस पे है, हम लोग हर एक तरह से उनको ये अकाउंटेबिलिटी दिखाएंगे। और मैं आप सभी लोग जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ये कहूंगी कि हर एक साल हमारी जो क्लब है वो ऑडिट होती है, हमारे जो अकाउंटेंट जी हैं, रितिन जी थे, इतने सालों से हमें मदद कर रहे हैं, वो इंडिया के हैं, और हर एक तरह से कभी एक सेंट भी हमसे नहीं लेते हैं, और भी लोग हैं जो हमारे सहयोग देते हैं। तो हम अपने अकाउंटेबिलिटी को सभी लोगों को शो करते हैं, हमने, हमारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये $10 यहाँ रख ले वहां रख ले, कोई ऐसी बात नहीं है। जब टिकट से क्या इत्यादि भी बिन बिकते हैं, जब हम हॉल्स में जाते हैं, हर एक चीज का अकाउंटेबिलिटी हम जरूर रखते हैं। तो मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूंगी, उनसे ये विनती करती हूँ कि अगर कितने लोग ऐसे हैं फिजी में यहाँ पर भी जो हमारे हेल्प चाहते हैं,
और आपके सहयोग जब तक हमारे साथ नहीं है तो शायद ऐसे मौसम में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं हॉल में नहीं जा सकती हूँ ना, और हॉल में हम जाकर ऑक्शंस करते हैं, लोग हमारे रेफरल्स बेचते हैं, तो उसमें हम बहुत पैसे बनाते हैं। कभी कभी मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, 5,000-6,000 उससे हम लोगों का मदद करते हैं वो बहुत, क्योंकि उतना बड़ा जगह हमारे पास नहीं है कि हम थाउजेंड्स में जाए, लेकिन उम्मीद यही रखते हैं कि सबका सहयोग अगर हमारे साथ में रहा परम जी, तो हम आगे चल के और बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं और सही तरीके से करेंगे, और आप सबको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए कि अभी आप अगर मैकडॉनल्ड्स जाए या तो फिर KFC जाए या तो फिर किसी भी जगहों पर जाकर आप टेक अवे खरीदेंगे, तो वहाँ पर तो कम से कम आपका 15 डोर या 16 या 20 डोर का खर्च हो जाएगा ही। तो यदि आप अच्छे काम के लिए कुछ कर रहे हैं, पुलाव खरीद लिए हैं और थोड़ा सा चटनी उसमें साथ थोड़ा सा बर्रा इत्यादि रखे हुए, हलवा या तो फिर साथ में कुछ चटक हो, तो वो अलग सी बात होती है और वो अलग से है, वो जिंदगी में आपको रोज नहीं लेना पड़ता है, यानी कि हफ्तों भर भी नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ एक ही दिन लेना पड़ता है। और फिर दूसरी बात ये है ना, एक दिन खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा ना, डोनेशंस भी हो जाएगा, थोड़ा घर में बैठकर एंजॉय कर लेंगे ना। हाँ, मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि किसी भी दिन प्लाव रन करो तो आप फ्राइडे नाइट को ही प्लाव रन करो, क्योंकि फ्राइडे के दिन, क्योंकि क्या होता है कि वेज है और नॉन वेज दोनों ही लोग है, एंड फ्राइडे पीपल डोंट वांट टू कुक, दैट्स माय टेक ऑन इट, कि लोग शुक्रवार को जो है वो भोजन नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि इट्स एंड ऑफ द वीक, रिलैक्स करना चाहते हैं। तो शनिवार के जो दिन होता है तो बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं मैडम, फ्राइडे को हो या आप प्लाव रन करो। आप जो बोल रहे हैं मैं मानती हूँ उसको, तो बात ये है, एक बात और है आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारे कुक साहब है ना, वो तो काम करते हैं और बाकी के लोग भी काम करते हैं, तो मैं तो उतना बड़ा हंडी उठा नहीं सकती हूँ ना। और फिर फ्राइडे जो होती है, मैं भी थोड़ा पूजा पाठ में रहती हूँ, मंदिर इत्यादि चली जाती हूँ ना, और काफी लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, तो इसीलिए हम चूज करते हैं सैटरडे को। तो फिर वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों बनाइए, इसमें थोड़ा सा हलवा डाल दीजिए, बनाने वाला तो चाहिए, मतलब तो ये बनाने वाला तो चाहिए ना। हाँ, ये हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, और जो भी हमारे ब्लेसिंग से, हमारे जो लोगों की ब्लेसिंग से, कि ये ब्लेसिंग के जरिए से किसी तरह से आप लोगों के घर में थोड़ी सी आमदनी भी हो जाए, या तो फिर वक्त निकल आए, कुछ ऐसा सा मौका आ जाए जिसके जरिए से आप फ्री हो जाए और यू नो इस सब चीज़ में काम करें। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सभी को मदद कर रहे हैं, और छोड़ बूंद बूंद से लोग कहते हैं इसे फिजी में तालाब भरता है, और लोग अगर जाना चाहते हैं थोड़ी सी कुछ भी डोनेशन कर सकते हैं। ये डोनेशंस टैक्स डिडक्टेबल है या तो फिर नहीं है? देखिए, अगर शायद कोई $10-20 देगा तो मुझे ये नहीं पता है वो कर अच्छा, सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम रजिस्टर्ड बॉडी हैं, अगर कोई 200, 300 या 500 देता है तो आई एम प्रीटी श्योर वो डिडक्टेबल है। जी जी, अंडर $500 रिसीट्स होता है तो यू कैन एक्चुअली क्लेम इट इन योर टैक्स, तो यू कैन, क्योंकि आप रिसीट भी इशू करते तो वो बहुत अच्छी बात होती है। जी, हम लोग रिसीट इशू करते हैं हमारे स्टैम्प क्लब को, क्योंकि हम लोग ईमान से काम करते हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे आपने मुझे मुझे दिया, हमें दिया, इसी तरह से हम आपको भी वापस करें ना, तो दिस इज वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, और लोग विश्वास के साथ देते हैं ना, तो हम भी उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ना कि आप हमें विश्वास करते हैं, तो उसी विश्वास के साथ हम अपना काम करते हैं। तो लोगों से हम निवेदन करेंगे कि मैं ये पेज एक बार फिर दिखा रहा हूँ लोगों को, कि ये पेज है और इस पेज पे आप जाकर यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर है और बैंक अकाउंट डिटेल्स है, और आप यहाँ पर कुछ भी अमाउंट जो है, आई थिंक देस अ मिनिमम होगा मेरे हिसाब से 10-20 जोड़ के तो मिनिमम ही होगा, कुछ भी आप अगर इसमें रख सकते हो तो रखिएगा, तो 10-10-10-10 करते करते वो बढ़ जाएगा, बहुत सारा थोड़ा सा बढ़ के इनाम, सॉरी क्या कहते हैं उसे, इट विल बी अलॉट ना, थोड़ा थोड़ा से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको परम जी कि आपने मेरे पेज को लोगों तक पहुंचाया। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सरोज किया के अकाउंट पे हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ हम लोगों ने वहाँ पर छोड़ा है, और जैसे जैसे अच्छे काम हम करते हैं उस पर भी छोड़ते हैं, और नॉर्मल अपने फेसबुक अकाउंट पे भी छोड़ती हूँ, लोग देखते हैं ना,
और थैंक यू बोलते हैं, जिसको समय मिलता है वो धन्यवाद करता है। और ये कोई धन्यवाद के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं कि अच्छे काम हम करते चले लोगों के, जैसे कि हमने खुद गरीबी को देखा है और लोग कितने गरीबी काट रहे हैं, कितने जगह पर लोगों के पास भोजन नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, कोई जी मुझे कोई दिखा रहा था कि बोतल में पानी भर के पिया रहे थे बच्चों के, बच्चे उठाकर भीग रहे थे क्योंकि उनको भूख लगी थी, वो राइस या ब्रेड इत्यादि चाहते थे। तो ऐसे बहुत गरीबी बहुत जगह पर है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो कोई भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, थोड़ा सी मदद कीजिए ताकि हम लोग उन लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया ये छोटी सी जानकारी देने के लिए मैम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो छोटी सी जो संस्था है वो फले और फूले और बहुत सारे अच्छे अच्छे कामों से आप अपने आप को में अपने आप को उसमें बिजी रखें। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो एक कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छी काम है और आजकल के ज़माने में बहुत कम लोग करते हैं, और हालांकि आप छोटे पैमाने पर करते हैं लेकिन बहुत अच्छा करते हैं, ट्रांसपेरेंसी मैंने देखा ही है। तो विद ऑल दोज गुड ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस एंड एक्नोलॉजमेंट्स आपको हम ये करते हैं, और ये उम्मीद करता हूँ कि यू विल कंटिन्यू दिस इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू वेरी मच परम जी, और मैं भगवान से यही विनती करती हूँ कि आप भी ऐसे अच्छे कार्य को करते रहे, आपका जो प्रोग्राम है वो लोगों तक सभी कुछ ऐसे पहुंचाते रहे, आप भी अच्छे रहें, फूले फले, खुश रहें। और जब कोर्स कभी हमारी फंक्शंस होगी अब सी बार श्योर भगवान की श्योर श्योर कृपा से, तो जरूर आना, उसपे भाग डेफिनेटली लेना हमारे साथ, हम आपको देखना चाहेंगे वहां पर, और टोपी जी जी जरूर लगा के आना। टॉपिक ज़रूर लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी इस प्रोग्राम में आने के लिए, आपका बहुमूल्य वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और ऑल द बेस्ट विद योर चैरिटी सरोज केयर फीज इनकॉर्पोरेटेड, और ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन से, ऑल द बेस्ट। एंड जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं प्लीज़ डू हिट सरोज केयर फीज इनकॉर्पोरेटेड पेज है, थोड़े थोड़े हिस्से में आप ज़रा से हेल्प कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सरोज जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। Thank you very much. Thank you थैंक and यू God bless you and my blessings to each and everyone. हम यही उम्मीद करते हैं कि ये कोविड जो है, हम सबसे प्रार्थना करते कि सारे दुनिया में फैल चुकी है, हम सब लोग अच्छे काम करें, भगवान से प्रार्थना करें कि मैं तो खुद आईसीयू में काम करती हूँ, हॉस्पिटल में हर एक तरह से देखती हूँ, और कितना परिश्रम के साथ हम लोग सब वहां पर काम करते हैं, जो स्टाफ होते हैं बहुत कठिनाई के साथ, क्योंकि अपना जीवन जो होता है बस यही समझ लिए एक पत्ते पर होती है। फुल जी टाइम जी काम भी मैं करती हूँ, घर की काम भी संभालती हूँ, पब्लिक को भी देखती हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ परम जी, लेकिन जी भगवान जी की दया मुझ पर है कि आप सबके कृपा से मैं कर सकती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा और इस कोविड से बच के रहिएगा, और एक दूसरे की सहायता करने की, पूजा पाठ करें, सभी का मदद करें, भगवान को याद करें, और मिलजुल कर हम आगे सब ऐसे चलते रहे, और यही उम्मीद करती हूँ कि भगवान की कृपा से ये सब बैक टू नॉर्मल हो जाए, ताकि हम एक दूसरे को देख सके, बातचीत कर सके, ये एल्बो मत मिलाए, हाथ मिलाए ना। बहुत शुक्रिया मैम साहब, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू। लव यू थैंक यू एंड वेरी थैंक मच, यू एंड राम राम, नमस्कार, शुक्रिया। मिशन बोला, सलाम वालेकुम, नमस्ते आप सभी को, आई लव यू थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक बाय यू। बाय। जी हाँ दोस्तों साथियों, आप वो है सरोज राज, और शी इज़ दी करता धरते यानी कि मैनेजर, तो मैनेजर्स सरोज राज के एफ जी लिमिटेड, छोटे पैमाने पर कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे काम कर रही है वो। और यदि आप उनको रिच करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू रिच हर आउट ऑन सरोज किया फीजी लिमिटेड, सॉरी फीस, ये पेज है उनका, और इस पेज पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। यू नो इफ़ यू हिट ऑन फेसबुक यूल सी ऑल दोज डिटेल्स, एंड वहाँ पर आपको ये सारा जो जानकारी है मिल जाएगा। और यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, और यदि आप पीड़ित है, बिल्कुल आप एकदम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, फिजी में खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप संपर्क करें सरू जी को, तो किसी ना किसी तरह से वो आपका रास्ता निकालेंगे, और कहीं ना कहीं रीच आउट करके वो किसी तरह से उनकी जो उनकी उनके हाथ से जो है वो कर सके तो वो करेंगी, मुझे ये उम्मीद है। और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, इट्स अ स्मॉल प्रोग्राम एंड छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हम आए थे आपको। खुश रहिए, सभी को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।